अच्छा ओके सो टेक थ्रू इयर्स आप लोगों की शादी हुई मुझे पता है कि आपने जर्मन सीखी हाँ। और आपने भी शीव करी। भी <laughs> फेल भी हुई वो सीखनी सीखनी गई. गई आपको. तो आपने कहा ना नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं हाँ। एक चीज ये भी थी. हाँ। बहुत टाइम लगा फेल भी हो गई जिंदगी में कभी नहीं मैं किसी क्लास में फेल हुई और देयर आई वॉज एट माई एज सारे सब छोटे छोटे बाकी स्टूडेंट्स थे अब मैं फेल बिकॉज़ वीज़ा के लिए वो चाहिए था था आपको ये हाँ। फिर से दिया <laughs> फिर चलो पास हो गई मगर मैंने ये तहिया किया था, तब कि अगर इस दफा फेल हुई तो फिर इम्तिहान दूंगी अगर फिर फेल हुई हाँ। तो फिर दूंगी और आई विल मैं ये सीख के रहूंगी और सीखी हाँ। आपने और फिर आप हाँ। हुई पास एक्सिलेंट एक्सिली किया मैं दोबारा भी करूंगा तीसरी में सब ठीक हाँ। है, है। तो जायज है भाई हाँ एक से तो नहीं जायज बार बार करना मतलब हाँ। जायज तो है लेकिन है कि ठीक है अच्छा अब अगला सवाल थोड़ा सा मेरा उसको ओवर सिंपलीफाई करके ही पूछूंगी जारी बात इतना सिंपल है नहीं लेकिन आप जो एक रेगुलर शादी की उम्र सोची जाती है ट्वेंटीज और थर्टीज तो उस वक्त आप शादी करते हैं तो बड़े एक्सटर्नल प्रेशर्स बहुत होते हैं ससुराल का भी प्रेशर होता है फाइनेंशियल प्रेशर्स mm. होते हैं फिर बच्चे आपने फैमिली स्टार्ट करनी है उसका प्रेशर है जिंदगी शुरू हो रही होती है आगे नहीं पता होता कि क्या है इज इट इजियर लेटर इन लाइफ और इज इट मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज जब आप अकेले भी रह रहे हो उसकी भी आदत हो जाती है एंड टू लेट कम्स विद लॉट ऑफ रिस्क एंड इनसिक्योरिटीज के पता नहीं हैंडल कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे आप लोगों ने कैसे हाउ डिड यू फेस व्हाट डू यू थिंक अबाउट हो गया यू वर इजी विद इट मतलब लाइक इट वाज आई वाज इजी इजी कोई इसमें ऐसे रॉकेट साइंस तो नहीं है नहीं, नहीं था, नहीं? था नहीं. नहीं कोई ऐसे लगे नहीं कि कोई बहुत मसले मसाइल yeah. हुए या होंगे एट दैट टाइम और कोई ऐसे ये भी एक अच्छी बात है कि कोई प्रेशर नहीं है। नहीं एग्जैक्टली

जिंदा रहना एक दूसरे के साथ वो आना चाहिए जी उसमें आपकी शादी जो है वो तो एक पेपर वर्क है ठीक हुँ, है ओके इंस्टीट्यूशन okay, है एक आ, लेकिन जिंदा रहना जो है वो दूसरी किताब है उसमें जो चीजें हैं वो उस चीज के अंदर नहीं है उनका तयन नहीं है जिंदा इकट्ठा जिंदा रहने के लिए आप लोग क्या करते हैं वट डू डू टूगेदर

Accommodating है, ठीक hmm. है अकोमोडेटिंग है अकोमोडेटिंग है, है। okay. और बहुत तहमुल के साथ hmm. बड़े बारी के साथ hmm. ये सारी चीजों को डील करती है जो मुझ में नहीं है तो मैं, मेरा अख्तिलाफ जो है वो आ, उसकी सूरत जो है डिफरेंट आइडियोलॉजिकल है। आपके की बात नहीं है ये वर्किंग मेथड जो है आ, या मुख्तलिफ और चीजें जो हमारे प्रोफेशन में जो कि मुझे ठीक नहीं लगती राइट तो वहां पे मेरा मसला आता है राइट ये उसके साथ और तरीके के साथ डील करती है बिल्कुल मुझे जरा मुश्किल पड़ता राइट मगर आप दोनों फिर भी प्रोफेशनली एक्टिव हैं अभी तक माशाल्लाह से प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले भी हैं योर ऑन सेट आजकल और फिर जो बचे हैं संग समेट लो वो भी है हाँ। और ग्रीन uh, चैनल का फातमा जना भी सीरीज है आ, आपकी उम्र यार आ रही है और uh, मंदिर साहब क्या क्या चल रहा है आजकल वर्क रिलेटेड मैं तो दो चीजें कर रहा था आ, ए, ये क्या था फातमा जना जो है वो तो अभी खत्म नहीं हुई Uh, वो तो मेरे ख्याल है कि एक साल या डेढ़ साल और चले right. काम होगा आ, uh, बाकी दुनिया पर एक सीरियल है जी, उसमें मैं काम कर, मैंने काम right. किया right. है right. अभी उस... रहता है उसका थोड़ा सा काम, हाँ, थोड़ा हाँ. सा काम ग्रीन का है ना वो भी जी तो मेरा तो इतना कोई वो ज्यादा एंगेजमेंट नहीं राइट बाय चॉइस है ये देखे जी सीधी बात है कि इसके बारे में बात शुरू हुई तो वो काफी लंबी जाएगी सीधी <laughs> बात है कि मैं अगर काम करूंगा तो अपनी मर्जी से करूंगा सही है आ, ये नहीं है कि तो फ्लाने कह दिया तो के ये कर दें वो कर दें फ्ला कर दें तो आप उठ के कर दिया ये मुझसे नहीं होता और ना मैं करूंगा ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी मर्जी से काम करूंगा क्योंकि काम मैं अपना नहीं करता हूँ मैं इनके लिए काम नहीं करता राइट हाँ जहां मेरा दिल करेगा का मैं काम करूंगा और जहां जहां आपने किया है वहां वहां आपका दिल था ए, हमेशा नहीं नहीं राइट हमेशा नहीं लेकिन ज्यादा तब जो मैंने मैंने काम कितना किया थोड़ा सा तो काम किया है ना मैंने नहीं, अगर बहुत तो बहुत मेमोरेबल काम है आपका बोल से मतलब अगर आप शुरू कर तो, बोल, बोल बिल्कुल उसके बाद कुछ नहीं किया सीरियल अभी तक दो चले हैं वो दो चले बहुत बड़ा था बिग सीरियल धूप फिर एक और किया था कोई सीरियल जिसमे थोड़ा सा था वो कौन सा था पता नहीं धूप की दीवार जिसकी वजह से सब्सक्रिप्शन ही खत्म हो गई पाकिस्तान में धूप <laughs> <थी। laughs> की दीवार में बंद भी करा दिया मतलब क्या ये तो इससे तो जान चुके हैं हाँ।, हाँ।, हाँ सही बात है सही बात है आप लोगों की लड़ाइयाँ तो होती होंगी ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी कपल की ना हो यकीन करें कि हम मैं उसको लड़ाई कहता ही नहीं मतलब ये हो सकता है कि आ, मुझे किसी आर्ग्यूमेंट आर्गुमेंट आर्गुमेंट argument होता है yeah. हमारा बिल्कुल right. होता है क्यों ना